हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल में हरोइक ब्लॉग। सो गाइस, अभी बस मैं जो है ना बाथ लेके आई हूँ। 10:15 हो गए हैं आज, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि ना मैं मॉर्निंग में उठी थी, मेरे को इतना ज़्यादा जो है ना अजीब सा फील हो रहा था, डिजीनेस सा और कोल्ड जैसा फील हो रहा था। इतनी ज़्यादा स्नीजिंग हो रही थी, छीकी छीकी आई जा रही थी। मैं वापस लेट गई क्योंकि मुझे तबीयत अपनी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। अभी भी ठीक नहीं है, इतनी ठीक नहीं है, लेकिन भैया कि उठना तो पड़ेगा, वही है। अभी फिर मैं जा रही हूँ, आज अमावस की है तो हस्बैंड ने जो है मंदिर जाना है, पंडित जी को जो सामान नहीं देना होता है वो देना है, एंड मैं घर में ही पूजा करूँगी और फिर उसके बाद बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में पोहा बनाना है, बिकॉज मैंने हस्बैंड से पूछा था उनको अब ही खाने हैं या चीला खाना है या फिर पराठा खाना है, क्या खाना। उन्होंने सबके लिए मना कर दिया, उन्होंने कहा पोहा खाना है, एंड मुझे भी वैसे पोहा ही खाना था क्योंकि मैं कुछ अनहेल्दी नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि कल भी मैंने सिजलर खा लिया था जिसमें मंचूरियन वगैरह था जो कि थोड़ा सा अनहेल्दी है। साथ और कि चलो अब थोड़ा सा हेल्दी खा लेते हैं। बच्चे दोनों उठ चुके हैं, मम्मी पापा अपने रूम में, उनका सब ब्रेकफास्ट वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है जैसे कि आप सबको पता ही है। हस्बैंड अभी नहाने के बस नहा के आएंगे और जाएंगे वो मंदिर। अब मैं जा रही हूँ पूजा पाठ करने के लिए, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको। सो पूजा करके गई मैं आ गई हूँ किचन में। अभी कर रही हूँ मिल्क बॉयल, बिकॉज दूध भी बॉयल काफ़ी लेट हुआ है, बच्चों को दे दिया दूध पीने के लिए। और इधर हाउस हेल्पर जो है काम करके गई, अभी हाफ कपड़े धो कर गई है एंड बर्तन धो के गई है, अभी वो थोड़ी देर में आएगी, हाँ 1 घंटे तक, फिर झाड़ू पोछा वगैरह करके जाएगी क्योंकि वो 2 टाइम आती है तो इसी तरीके से काम करती है। तो आपकी सारे क्लोथ्स जो है सूखे हुए हैं एंड यहाँ वो मेरे पोहे के लिए जो वेजिटेबल्स कट करके गई है, मैंने दूध बॉयल करने रख दिया है। ये जो है ना पीनट्स थोड़ी सी रोस्ट करके रख दिया एंड इधर दूध बॉईल हो चुका है, कवर कर देते हैं। एंड इधर ये आप देखो मेरा जो है ये रेडी हो रहा है उसका तड़का पोहे का। पोहे को मैंने अच्छे से जो है वॉश कर दिया है, बस पोहा बन जाए। बारिश वाला मौसम लग रहा है, वैसे हो सकती है बारिश हो जाए तो गाइस अच्छा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली में। कल पता जब हम मॉल से बाहर निकले थे ना तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन बिल्कुल हल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो उसके आगे थोड़ा आगे आए तो बिल्कुल बारिश नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। एंड बस तो अब मेरे को बस यही है कि यार थोड़ी सी बारिश हो जाए जिससे कि थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए, वेदर थोड़ा चेंज हो जाएगा मतलब ठीक रहेगा, क्योंकि गर्मी सीरियसली बहुत ज़्यादा हो रही है। इस किचन में खड़े होने का ही नहीं मन करता, मतलब जिसने खाना बनाया ना उसकी तो वाट है मतलब समझ लो। तो जल्दी से मैं पोहा बना लेती हूँ। गाइस ये मेरा ब्रेकफास्ट जो है बन गया है, पोहा एंड साथ में इलायची वाली चाय। अदरक वाली मैं इसलिए नहीं बनाई बिकॉज गर्मी है ना, तो इलायची वाली सही रहती है। जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, हस्बैंड ने बोला था कि तुम कर लेना, मैं मत की थी वो मंदिर गए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज अमावस है तो सामान निकालना होता है तो वो मंदिर गए हुए हैं। एंड क्योंकि मैं भी जाती हूँ मतलब साथ में, लेकिन ना मेरे को कुछ अपना ठीक नहीं लग रहा था, अजीब सी तबीयत लग रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम नहीं चले जाओ, तो हस्बैंड ने बोला कि तुम ब्रेकफास्ट कर लो, वेट मत करना मेरा। तो मैं अभी बस ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, फिर वो आते हैं फिर मैं उनको भी डाल कर देती हूँ। सो गाइज अभी बस मैं जो है ना लंच के लिए दाल बना कर आई हूँ मम्मी पापा के लिए, बिकॉज मैंने तो जाना है मम्मी के घर पर, तो मम्मी पापा का मैंने सारा जो है खाना रेडी कर दिया है। हस्बैंड अभी थोड़े से काम से जो है बाहर गए, वो आने वाले हैं, फिर हम लोग बस रेडी होंगे। एंड इधर ये देखो मैं ना आनवी को ये मैंने दाल जो बनाई है ना उसी में से बॉयल दाल थोड़ी सी बचा ली है, जो जिसमें सिर्फ नमक हल्दी और हींग है जो उबालते टाइम नॉर्मली हम डालते, तो बस अब मैं इसको ये खिलाऊंगी, उसके बाद हम लोग रेडी होंगे। तो मैं पहले जरा मैं इसको ये खिलाऊं। सो गाइस मैं इसको ना इसी तरीके से ना जो है बिठा कर खिलाती हूँ, क्योंकि ये ना फिर भागती है इधर उधर और ये ना अपने उसमें फीडिंग चेयर में भी नहीं बैठती है बिल्कुल भी, ये मतलब थोड़ा डिफरेंट ही है बच्चा चीकू से ना, तो इसको मैं इसी तरीके से जो लैप पे बिठा कर और फिर खिलाती हूँ। हाँ जी मुझे भी दिखाओ, आप मुझे दिखाते हो। मैं बैड बेबी को नहीं दिखाती, मैं गुड बेबी को दिखाती हूँ। गुड बेबी है ना आनवी, गुड बेबी एंड चीकू इज अ बैड बेबी बिकॉज ये मेरी बात नहीं मानती है बिल्कुल भी। एंड अभी ना मुझे आनवी को जो है बात भी कराना है, तो इसको बात भी कराऊंगी, इसलिए मैं अभी थोड़ी परवाह नहीं कर रही हूँ कि अगर गिर भी रहे खाना तो कोई बात नहीं। एंड पता है गाइस बच्चा देखो खाते टाइम अब वो हमारी तरह बड़ा तो है ना, तो खाते टाइम वो थोड़ा बहुत तो देखो गिराएगा ही गिराएगा, तो इट्स फाइन अगर बच्चा
मैस करता भी है तो जस्ट इंजॉय दैट मैस एंड बच्चे को खाने दो बस। मैं तो इसको इवन मैंगो वगैरह भी कट कर कर दे देती हूँ, वो अपने आप ही खाती है। मैस करती है तो कोई बात नहीं, क्लीन हो जाएगा। एंड मैं जब भी गाइस दाल बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से जो है ना बॉयल दाल इसके लिए बचा लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा हाफ स्पून जो है ना घी भी डाल देती हूँ एंड इसको मैं इसी तरीके से खिला देती हूँ। बेबी एक मिनट रुको ना। सो गाइज आप लोग सोचोगे मैं इतनी ऊंचाई पे कहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ये जो इतना गंदा हो रखा है एग्जॉस्टर, इसको मैं साफ कर रही हूँ। और ये जो बाहर आप ये नेट देख रहे हो ना जाली, ये भी हस्बैंड चेंज करवा कर लेके आए हैं एंड हाफ वो बाहर से साफ कर गए थे एंड हाफ अभी मैं कर रही हूँ। एंड चीकू को अभी मैंने फ्राइज बना कर दिया था, वो फ्राइज खा रही है, तो मैं फिलहाल इसको जो है क्लीन कर। गाइज वेलकम अगेन आप लोगों को। जैसे कल मैंने बताया था कि आज मुझे जाना है मम्मी के घर पे, बिकॉज भाभी का मतलब 7 मंथ रनिंग है। सो छोटा सा एक शगुन के लिए जो है बेबी शावर कर रहे हैं, तो बस उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। एंड यहाँ पर चीकू रेडी हो गई है, मेरे हस्बैंड। हेलो गाइस, मिलते हैं आपसे वहाँ पे चल के। एंड आन भी अभी सो रही है, उसको उठाना है, उसको भी रेडी कर दिया था। एंड ये मेरा आउटफिट है, मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ। एंड स्पेक्स मैंने लगा रखा है बिकॉज ना मुझे विदाउट स्पेक्स एक्चुअली हेडेक होने लग जाता है, इसलिए मैंने लगा के रखा। दिस इज माई आउटफिट। अभी स्लीपर्स पहनने हैं मुझे, मैंने कॉट सेट पहना है जो कि कंफर्टेबल होता है, बिकॉज मुझे अनवी को फीड भी कराना होता है ना, इस वजह से मैंने थोड़ा कंफर्टेबल ही पहना है। सो दिस इज माई आउटफिट। एंड मैंने हेयर टाई ही करके रखे है बिकॉज छोटे बच्चे के साथ जो है हेयर ओपन नहीं कर सकते हैं। एंड अनवी भी आ गई है, ये रही अनवी। अनवी अभी सो रही है, बिंदी हटा दो इसकी। सो ये अभी सो रही है गाइज। चलो हम लोग अब निकलते हैं बिकॉज वहां से फोन आ चुके हैं। चलो फिर वहां जाकर मिलते हैं। ये कर रही है स्प्रे। नहीं बेबी, सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं मम्मी के घर पर। आप डेकोरेशन देख सकते हो, ब्यूटीफुल। सो गाइस हम लोग फाइनली आ गए हैं मम्मी के घर पे। यहाँ चल रहा है फोटो शूट एंड ये है लेने वाला। और वो भी सीधा 10 महीने का बच्चा। कलर भी उसके ब्लू कलर के मगर लेके आई है वो। मेरा आवाज तो रोता बच्चा आएगा। पागल है तू? पागल तो यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो चुकी है गाइज। लुक एट मम्मी लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मम्मी की रस्म है आज, समोसा चाउमीन। पीऊ आप भी करो जैसे दीदी करी वैसे करो। बोल दो पापा उसको अपने खाने वाले को।
मैनू आ रही है। अभी जब केक काट रहेगी ना अंजलि और जब बोल रही कल जब बेबी का नाम है चीकू मिकू लुक एट मिकू अरे जा भाई ऐसे करो मम्मी यो आंटी क्या करवा दिया ये आपने दूसरे पकड़ लिया पहले तो गाइस अब सारे जा रहे हैं। आप थोड़ी देर जा रही हो तो बाय कर रही हो नहीं 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 मैं वॉश करूंगी ऐसे ही खा ले लो आपकी लगी हुई आज की सारी करो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। आपने देखा भी सबने जो सी ऑफ किया है एंड बस ये था आज का फंक्शन। बेबी शावर का बिल्कुल मतलब अच्छा था, छोटा सा ना बड़ा ना छोटा, काफी अच्छा रहा, काफी मजा आया। हाँ केक भी कर रहा था। सो इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड एंड मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में। तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, जिसने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 गाइस। होप आपको सबको अच्छा लगा होगा ये आज का ब्लॉग बेबी शावर का।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो चलो गाइस बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, गुड नाइट, गुड नाइट।